दोस्तों क्या आप भी अपने थंबनेल के बैकग्राउंड का कलर मेरे जैसा रखना चाहते हो? आपको मैं यहाँ स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इस प्रकार का थंबनेल बनाया है, जो इसका बैकग्राउंड है इस प्रकार का, वहाँ पे कलर हमने चेंज करके रखा है। क्या आप भी डबल कलर में बैकग्राउंड थंबनेल का बनाना चाहते हो? अगर थंबनेल का बैकग्राउंड आप डबल कलर में बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है, तभी आप जान पाओगे कि इस वीडियो में डबल कलर का बैकग्राउंड जो थंबनेल का होता है मैंने कैसे बनाया है और कैसे इसको मैं पूरा क्रिएट कर पाऊंगा। तो आप अगर नहीं जानते हो इसके बारे में तो आप यहाँ पर आके सीख सकते हो दोस्तों। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि एक से एक अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाया करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों क्या करना, अगर आप एक मोबाइल से यूट्यूब चैनल चलाते हो, अगर आप एक मोबाइल से भी यूट्यूब चैनल अपना चलाते हो तो आप एक पिक्सल लैब एप्लीकेशन चलाते हो जो आप थंबनेल बनाने के काम में प्रयोग करते होगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप पिक्सल लैब चलाते हो, अपने मोबाइल फोन से अपना चैनल चलाते हो, तो आज आपको मैं डबल कलर बनाना बताऊंगा कि ऐसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, अपने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया, और जैसा आप थंबनेल देखकर वीडियो पर आए हो उसी प्रकार का आपको बनाकर मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, इतने दिन बाद मैंने वीडियो अपलोड क्यों किया दोस्तों, मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी थोड़ा, इसीलिए मैंने 15 दिन तक वीडियो नहीं अपलोड की है। आज आप लोगों के सामने आया हूँ वीडियो लेकर, क्योंकि मुझे पता था आप लोगों को कमेंट आने वाले हैं कि इतने दिन बाद वीडियो क्यों अपलोड किए हो, तो उससे पहले ही मैंने अपना रीजन यहाँ बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो जो लोग न्यू आए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं यहाँ पर लाया करता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त टेक्निकल दोस्त सोनू, और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। इस वीडियो में आपको लेके चलता हूँ पिक्सल लैब एप्लीकेशन में, और मुझे चलना पड़ेगा मोबाइल की स्क्रीन पे, वहीं पर आपको मैं समझा पाऊंगा सारा सिस्टम से अच्छे से। तो दोस्तों यहाँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका हूँ, और मैंने एप्लीकेशन पिक्सल लैब को ओपन कर लिया है दोस्तों। इस प्रकार से एप्लीकेशन आएगा, और मैंने अपने फ़ोन को रूटेड पे लगा रखा है, आपको देखने में लग रहा होगा कंप्यूटर से किया। यहाँ चार ऑप्शन है और लास्ट वाला ऑप्शन है कलर वाला, आपको उसी लास्ट वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। तो जब लास्ट वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने ऊपर कलर का ऑप्शन आ जाता है। चलिए यहाँ से मैं कोई एक कलर उठा लेता हूँ, और दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने कुछ पहले से भी कलर बना रखे हैं। जो ऊपर वाला कलर है उस पर केवल सिंगल कलर आएगा, नीचे जो गार्डेंट लिखा हुआ है गार्डेंट, इस पर आप डबल कलर बना सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है वीडियो में। गार्डेंट में यहाँ पे मैंने कुछ कलर बना के रखे, आपको शो करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार का मैंने कुछ कलर बना के पहले से ही रखा हुआ है, इस प्रकार से आप भी अपना ऐसा ही कलर बना पाओगे और बढ़िया से बैकग्राउंड थंबनेल का आप क्रिएट कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं यहाँ पे एक अपना कोई कलर उठा लेता हूँ, चलिए ये कलर ले लेता हूँ मैं। गार्डेंट पे आपको रखना है, इतना आपको फिर बताता हूँ। कलर उठाने के बाद प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देखो गार्डेंट लिखा होना चाहिए, तभी आपको प्लस पे क्लिक करना है कि गार्डेंट वाला कलर आपने लिया है कि नहीं। अगर गार्डेंट कलर आपने लिया है तो ही आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, अगर ऊपर वाले पे लेते हो तो वहाँ पर केवल सिंगल कलर ही बन पाएगा। तो चलिए आगे हम आपको बताते हैं क्लिक करके। तो यहाँ प्लस वाले पे हमने क्लिक किया है, चलो एक कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं रेड कलर लेता हूँ, ठीक है, जैसा कि आपको मैंने शो करवाया है बीच में, और रेड कलर लेता हूँ। यहाँ पे आप कलर को कम ज़्यादा भी कर सकते हो, कितना आपको कलर डार्क रखना है या फिर हल्का कलर रखना है। तो यहाँ रेड कलर ले लिया, लेकिन मेरे को ऐसे में नहीं बनाना, ऐसे में बनाना है कलर, मेरे को ऐसे में बनाना है। तो इस प्रकार से कलर ले लिया, और ये जो स्लाइड अप करने का ऑप्शन नीचे दे रखे हैं दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में, अगर आप इसको टच करोगे तो उसी साइड का ही कलर आप चेंज कर पाओगे। अब यहाँ पे दूसरी साइड का मैं कलर ले लेता हूँ, और इसका मैं रखने वाला हूँ वाइट कलर। तो चलिए दूसरी साइड मैंने अप डाउन किया है, और अब यहाँ से वाइट कलर ढूंढता हूँ थोड़ा, वाइट कलर, वाइट कलर, अब बन जाएगा मेरा यहाँ पे वाइट कलर। तो आप देख सकते हो जब मेरा यहाँ पे वाइट कलर बन गया, और आपको ओके वाले पे क्लिक कर देना है, जैसा कि मैंने क्लिक करा है, आपके सामने कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। और दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड में आपके सामने कई ऑप्शन भी दिए हैं, इनसे आप अपने थंबनेल के जो बैकग्राउंड है उसको आप मैनेज कर पाओगे कैसा आपको रखना है। यहाँ पर स्लाइड आप देखो, मैं करके आपको दिखा भी रहा हूँ, आप इस प्रकार से करोगे तो आपका थंबनेल कैसा होगा सारा कुछ आप लोग सीख लो, इसी वीडियो में सीख जाओगे सारा कुछ। ये मैं आपको स्लाइड अप करके दिखा रहा हूँ किस प्रकार से आपका थंबनेल यहाँ पे बैकग्राउंड जो है थंबनेल का किस प्रकार से लगेगा,
देखने में। और हाँ दोस्तों, यही नहीं कि आप केवल रेड और वाइट ही कलर कर सकते हो, आपको जो भी कलर रखना है, आप चाहो तो इस कलर को आप ब्लैक भी कर सकते हो, कैसा भी चेंज करके आप कैसा भी कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे चलो मैं आपको और कुछ थोड़ा आगे करके दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ऊपर की साइड में मैं इस कलर को ले गया। इस ग्राफ को आप जिधर को ले जाओगे, ये जो आपका ग्राफ है, इस ग्राफ को आप जिधर को ले जाओगे उधर को ही कलर चेंज होगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको जैसे कोने, अगर किसी कोने के साइड में आपको कलर बदलना है तो इस ग्राफ को कोने बाई कोने उठा के कर देना है, या फिर आपको अगर आपको यहाँ पे बीच से और सीधा कोने पे ले जाना है तो एक ग्राफ को उठा के आप बीच में रख दीजिए और एक ग्राफ को उठाकर कोने पर रख दीजिए, तो उस प्रकार का आपका कलर बन जाएगा। मतलब जैसा भी बनाना चाहो, यहाँ पे अगर बीच में आपको केवल फोकस देना है तो आप बीच बीच में ही दे सकते हो, या फिर कहीं एक कोने पर आपको फोकस देना है वाइट का या फिर ब्लैक का या फिर रेड का, किसी भी कलर का, जैसा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देख सकते हो आप। एक कोने पे अगर देना है आपको, देखने में लगेगा कि हाँ यहाँ पर कोई हमने बल्ब लगा रखा है। अब आपको देखने में लगेगा यहाँ पे बल्ब लगा रखा है, लेकिन जब मैं नीचे वाली ग्राफ को स्लाइड अप करता हूँ तो आपको कुछ अलग देखने में लगता है। इसी प्रकार से आप अपना यहाँ पे थंबनेल का बैकग्राउंड क्रिएट कर पाओगे और बड़े ही आसानी से। अभी आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगा छोटा करके इसे, आपको देखने में लगेगा कि जैसे कि मैंने कोई बल्ब लगा रखा हो यहाँ पे। ये देखो, आपको लग रहा होगा देखने में कि मैंने कोई रेड कलर का यहाँ पे बल्ब लगा रखा है, देख सकते हो आप लोग, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा थंबनेल जो बैकग्राउंड, मैंने थंबनेल बैकग्राउंड का जो